Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like Hello friends, कैसे हो आप? मैं शु आप बेचूंगी। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो तीन रेसिपी और तीनों ही गर्मी के लिए है, जो कि हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसलिए ये घर में ही तैयार करी गई है और ऑर्गेनिक भी है। आप भी अपने टाइम को इस तरह से स्पेंड कीजिए और घर वालों को एक ऑर्गेनिक चीज़ें देने की कोशिश कीजिए। सर्दियों में आंवले खूब रहते हैं, पर अब गर्मी आ चुकी है। ये वीडियो पहले का बना हुआ है और ये वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाई, पर सोचा आज अपलोड कर देती हूँ। कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट सर्दी आएगी तो आप इस तरह से पाउडर बना के रख लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीका है। हमने आंवले को धो के और उसको सुखा के उसके बाद हम ये कद्दूकस कर रहे हैं। कद्दूकस करने के बाद जो इसमें जूस है उसको पहले निकाल लेंगे। अगर आप जूस से निकालो, मतलब सुखाओगे और निकालोगे नहीं, तो वो जूस में रह जाएगा, कोई मतलब का भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम जूस को निकाल लेंगे हाथों से दबा के, थोड़ा सा उसमें रहेगा और थोड़ा सा हम अलग से निकाल लेंगे, वो क्योंकि हाथों से इतना निकल नहीं पाएगा तो थोड़ा उसमें रहना भी चाहिए, वो ऑब्जर्व कर लेगा। वरना आप पूरा ऐसे सुखा दोगे तो आधा तो कपड़ा ही सोख लेगा और आधा धूप सोख लेगी। और इस तरह से मैंने रस को निकाल लिया, इस तरह को छान के मैं फ्रिज में रख रही हूँ और ये बहुत काम आएगा। इसे हम पी भी लेते हैं और अगर हमें सिर में मेहंदी लगाना तो उसमें एक दो चम्मच इसको डाल भी सकते हैं। अभी भी सिर्फ वीडियो के लिए बना रही हूँ, मैं इससे पहले बना के रख चुकी हूँ। और इस तरह से इसको हम धूप में सुखा देंगे और सूखने के बाद इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसको ये मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल आसानी से पीस जाएगा, तो आप इसे घर में आसानी से पीस सकते हो और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और हेल्दी पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। आंवले की खासियत ये है कि आप इसे अगर फ्रेश भी खा रहे हो तो वो गुण है, सुखा के भी खा रहे हो तो उसमें वो जो गुण मौजूद है जो फ्रेश में है। तो इस तरह से आप सुखा के रख लीजिए, जब सिर में मेहंदी लगा रहे तो भी आप इसको डाल सकते हो, त्रिफला चूर्ण में या पाकी दे सकते हो और चेहरे पे स्किन पे भी लगाने पे भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब आ गई है गर्मियों की बारी। अब गर्मियों में आ रहा है देखिए फ्रेश पुदीना, और मैंने करीब चार लच्छियाँ मंगाई थी और चारों को साफ़ करके मुझे सुखाना था, क्योंकि मेरा पुराना जो पाउडर था वो ख़त्म हो चुका था और मूवी देखते देखते से मैंने साफ़ किया है और ये करीब दो घंटा लगा, पर हो गया। अगर दो तीन जने मिलके करें तो करीब एक घंटे का काम है, बातचीत करते करते भी हो जाए। और इसको धो के मैंने अच्छे से धूप में सुखा दिया है और इसको भी सूखने में दो से तीन दिन लगे। आंवले का वीडियो बनने में या अपलोड करने में मुझे इतने टाइम लगे क्योंकि जब मैंने इसे बनाया था वीडियो को तो उस समय बारिश खूब आ रही थी और इसको सूखने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद दूसरे और वीडियो आते रहे तो मैं इसे बना मतलब अपलोड नहीं कर पाई और बना भी नहीं पाई थी, इसलिए अपलोड भी कैसे करती। और देखिए पुदीना बिल्कुल सूख चुका है कि हाथों से बिल्कुल क्रश हो रहा है और इसे इस तरह से क्रश कर दीजिएगा। और मैंने बहुत अच्छे से साफ किया तो उसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं है, तो बस मैं इसे पीस के सीधे कांच के जार में डाल दूँगी और ये करीब साल भर की तैयारी हो जाती है। अभी तो मुझे और बनाना है और पीस के रखूँगी इस तरह से ताकि ये साल भर निकल सके। और अब बारी आ रही है राम लड्डू की। ये लड्डू बहुत ही स्पेशल है, स्पेशल तो है ही क्योंकि बिना घी के बनाए गए हैं और किस तरह से बनाएंगे वो आप ज़रूर देखिए। और वीडियो के बिल्कुल स्किप नहीं की क्योंकि बिल्कुल मैंने बताया गया जिस हिसाब से बनाओगे तो बिल्कुल टेस्टी बनेगा और बहुत हेल्दी बनेंगे। मैंने सारी चीज़ें 20-20 ग्राम ली है, आप अपने हिसाब से एक एक कटोरी का नाप ले सकते हो, अंदाज से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, खरबूजे के बीज लिए हैं, कद्दू के बीज लिए हैं और खसखस के दाने लिए, आधा खोपरा लिया है बिल्कुल सूखा जो खोपरा आता है वो लिया है और मखाने लिए हैं। सबसे पहले इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। खसखस, कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इनको पहले कर लेंगे क्योंकि थोड़े से हल्का ही हमको इनका मॉइस्चर ही निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर हम काजू बादाम के साथ इनको करेंगे तो थोड़ा सा इनका टेम्परेचर हमको अलग रखना पड़ेगा, तो ये इनको हम एक साथ निकल लेंगे। और इस तरह से ये हमारे अच्छे से बस इनका मॉइस्चर निकालना होता है, इनको भूनना नहीं होता है। तो इस तरह से बन चुके। अब हम काजू बादाम और अखरोट के इस तरह से इसको भी हम थोड़ा सा सेक लेते हैं, मुश्किल से एक से दो मिनट और धीमी आंच में ही सेकना सभी को। ये भी हो गया है और उसके बाद ये हमने खोपरे को डाल दिया है और इसको भी सिर्फ दो से तीन मिनट धीमी आँच में ही सेकना है ताकि जो इनमें मॉइस्चर रहता है वो निकल जाए, इसके गुणों को ख़त्म नहीं करना है सेक के। इस तरह से हम इसको सेक लेंगे और सबसे आखिर में मखानों को सेकेंगे। और मखाने को सबसे ज़्यादा तरीका है उसको हम फोड़ के देख लेंगे, अगर वो फूट जाते हैं आसानी से तो आप सोच समझ लेना कि भाई आपके मखाने अच्छे से सिक चुके हैं। इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और वही दो तीन मिनट में ये भी काम हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से ये फूट चुके हैं और इस तरह से हमारे मखाने भी तैयार हो चुके हैं। हम सब चीज़ों को एक साथ डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, सब चीज़ों को हम पीस लेंगे और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है कि घी इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहेगा। हमने मखाने को भी पीस लिया है, अब आ रही है डेट्स की बारी, इनको भी हम पीस लेंगे।
हाँ 1.5 को आपको पीसने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस सकते हैं, पर पानी डालने के बाद ये होगा कि आपको थोड़ा सा इसको घी में रोस्ट करना पड़ेगा, इसके पानी को जलाना पड़ेगा। और अब ये जो हमने मिक्सर तैयार किया था ड्राई फ्रूट्स का पीस के, उसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, करीब मैंने 1 चम्मच डाली है। और आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, सॉल्ट पाउडर भी डाल सकते हो, पर मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली क्योंकि ये मीठा और थोड़ा तीखापन आ जाएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और करीब सब चीज़ें मैंने 20-20 ग्राम ली है, और पोस्त के दाने जो खसखस है वो थोड़ा मैंने कम लिया है, और मखाने भी थोड़े कम है, और ये खजूर जो मैंने लिए हैं डेट्स, ये करीब मैंने 50 ग्राम लिए हैं। इनको मिलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आप इसे परेशान हो, मिल जाएगा, फिर भी ये मिल जाएगा आसानी से, मतलब आसानी से नहीं कह सकते पर मिल जाएगा। और इस तरह से ये हम लड्डू को तैयार कर लेंगे। मैंने करीब 1 लड्डू 20 ग्राम का तैयार किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अगर 20 ग्राम का आपको नहीं हो तो जो गोल टॉफ़ी आती है ना उसको डबल टॉफ़ी कर लीजिएगा, बस उतना ही बनाइए 1 लड्डू, ये सफिशेंट है एक दिन की खुराक के लिए। और इस तरह से ये सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, और ये तैयार हो गए हैं 20 ग्राम के लड्डू, हेल्दी भी और टेस्टी, बिना घी के भी देखो लड्डू बनके तैयार हो गए, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, और हेल्दी तो है ही। खैर 20 ग्राम के लड्डू एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, हेल्दी भी है टेस्टी भी है। और ये बनाने का कारण ये था कि मेरी सास से मतलब खाया नहीं जाता है ड्राई फ्रूट्स मुझे, तो ये लड्डू बड़े आराम से खा रही है, मैंने तो पीस लिया है। तो ऐसे आप भी अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनका ध्यान रखिए और इस तरह से बना लीजिए, खुद भी खाइए, उनके बहाने हमें भी मिल जाता है खाने को। अब इसे भी मैं पैक करके रख देती हूँ, और इस तरह से ये हमारी 3 चीज़ें गर्मियों की बनके तैयार हो चुकी है। और ये हो गई है गर्मियों की तैयारी, और देखिए बिल्कुल आसान तरीके से जो हमने चीजें तैयार की हैं, आंवले का पाउडर, पुदीने का पाउडर और ड्राई फ्रूट के लड्डू, ये गर्मियों का एक बिल्कुल अच्छा पैकेट मिल गया है मुझे। मतलब कम से कम 1 महीने के लिए तो मैं लड्डू बनाऊंगी नहीं, इतने लड्डू मैंने बना लिए हैं। और ये पाउडर चलेगा, आंवले का पाउडर मैंने पहले भी बना के रखा है, तो सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए इतना सा बनाया, बाकी मेरे पास पहले बना हुआ है। पुदीना अभी आ रहा है और बना के और रख दूंगी। तो आप भी इस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घर में बनाइए, बहुत हेल्दी भी रहेगी और टेस्टी भी रहेगी, टाइम पे मतलब समय भी आपका अच्छे से निकल जाएगा। पूरा दिन की एक हाउस वाइफ को रहता है कि किस तरह से टाइम को स्पेंड करें, तो ये अपने घर में इस तरह की चीज़ें बना के आप घर में बच्चों को भी बहुत हेल्दी चीज़ें दे सकती हो और ऑर्गेनिक दे सकती हो। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेटर तरह जाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।